हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैजियो अपेसिटी NXT प्लस CNG BS6 2022 मॉडल के बारे में। और ये वीडियो दोस्तों आपको कम्प्लीटली अलग लगेगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे चैनल पर हम गाड़ियों का रिव्यू करते हैं और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मगर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस ऑटो का ओवरऑल डिटेल, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और कुछ हाईलाइट्स फीचर्स। और इसमें हम माइलेज के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, इसका ओवरऑल माइलेज टेस्ट भी दोस्तों मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का वीडियो देखना दोस्तों पसंद है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिए। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैजियो अपे NXT प्लस का एक वर्कअराउंड। चलिए देखते हैं पैजियो अपे सिटी NXT प्लस CNG का ओवरऑल लुक्स और डिजाइन। यह दोस्तों इसका ओवरऑल फ्रंट का व्यू। फ्रंट में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पैजियो अपे का स्टाइलिश क्रोम फिनिश में लोगो, और इसका फ्रंट हमें अभी 12 टोन कलर में देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में है अपे सिटी का क्रोम फिनिश में बैजिंग और NXT प्लस का स्टिकरिंग बैजिंग, जबकि राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा BA6 का स्टिकरिंग बैजिंग। और वारंटी की बात करें तो इसका विंडशील्ड में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको मिलता है 36 मंथ का सुपर वारंटी। और यह दोस्तों इसका ओवरऑल फ्रंट का व्यू। लाइट्स के नीचे आपको CNG का स्टिकरिंग बैजिंग भी देखने को मिलता है। और लाइट्स की बात करें दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलता है बिग साइज हैलोजन बल्ब टाइप हेडलैम्प्स, उसके साइड में है दोस्तों मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स, और इसका लाइट के साइड में आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलता है हार्ड प्लास्टिक। और ये डुअल टोन कलर में होने के कारण और इसका लुक और भी इनहांस कर देता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और चाबी ऑन करने के बाद इसका लाइट दोस्तों आपको ऐसे फंक्शन किया हुआ देखने को मिलता है। और फ्रंट में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर में इसका फ्रंट माउंट फ्लैप। और बात करते हैं दोस्तों टायर के बारे में, तो इसमें लगा गया है 8 इंच का टायर 6-ply रेटिंग के साथ। और टायर साइज भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, जो कि 4.008 इंच टायर्स। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर विथ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग विथ डैम्पनर, जबकि दोस्तों पीछे आपको देखने को मिलता है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर विथ रबर कंप्रेशन स्प्रिंग विथ डैम्पनर सस्पेंशन। और ब्रेकिंग में है कंबाइंड टाइप हाइड्रोकाली एक्टिवेटेड ड्रम ब्रेक्स। टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो इसका व्हील बेस है 1920 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर, और इसका जो ग्रेविटी है वो है 24.3%। चलिए देखते हैं इसका साइड का व्यू। तो साइड में आपको सिटी NXT प्लस का स्टाइलिश स्टिकरिंग ग्राफिक्स दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलता है दोनों साइड में, जो कि इसका लुक को और भी बेहतर बना देता है। सेफ्टी के लिए दोनों साइड में आपको दिया गया है लॉकेबल डोर्स। और यह दोस्तों इसका लॉक को आपको ऐसे ऊपर प्रेस करना पड़ता है, इसके बाद इसका डोर ओपन हो जाता है और इसे बंद करना भी काफ़ी आसान है। और यहाँ पर हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है इसका रियर मड फ्लैप, और उसके ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसका पेट्रोल का टैंक। इसका पेट्रोल का टैंक कैपेसिटी है 2.8 लीटर, जबकि CNG का कैपेसिटी है 30 लीटर। इसमें पेट्रोल टैंक होने का जो बेनिफिट ये है कि जब गाड़ी में CNG कम होता है, तब आप गाड़ी को पेट्रोल में चला के CNG टैंक इसमें आराम से भरवा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका रियर का व्यू। यह दोस्तों इसका रियर लाइट, इसके चारों तरफ आपको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और इसका लाइट दोस्तों रात में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि रात में इसका लाइट आपको ऐसे ही ब्लिंकिंग करता हुआ आपको देखने को मिलता है। सेंटर में आपको अपेसिटी NXT प्लस का स्टिकरिंग बैजिंग देखने को मिलता है, नीचे आपको पैजियो का स्टिकरिंग बैजिंग, और आपको लेफ्ट साइड में CNG का स्टिकरिंग बैजिंग देखने को मिलता है। और यह दोस्तों इसका रियर का ओवरऑल व्यू। और उसके साथ इसका जो इंजन को देखने के लिए यहाँ पर आपको लॉक दिया गया है, और इसे आपको चाबी के साथ अनलॉक करना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, उसे आपको ऐसे ही ऊपर प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको इसका इंजन देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है टाटा का बैटरी, जिसका आउटपुट है 12 वोल्ट DC 35 एम्पीयर तक। और यह दोस्तों इसका इंजन, इसमें लगा गया है 4-स्ट्रोक एयरकूल्ड इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 230 cc, जो कि मैक्सिमम 9.6 HP का पावर प्रोड्यूस करता है 4600 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 17.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि 2700 RPM तक प्रोड्यूस करता है।
और माइलेज की बात करें तो कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 50 किलोमीटर पर केजी। जैसे कि आप जानते हैं कि माइलेज को सीएनजी में केजी में कन्वर्ट किया जाता है, इस वजह से इसका माइलेज है 50 किलोमीटर पर केजी। जो कि दोस्तों हम इसका माइलेज टेस्ट में हम जानेंगे कि एक्चुअली इसका माइलेज हमें कितना मिलता है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका पैसेंजर साइड सीट। तो डोर ओपन करने के बाद जो पहले आप देखेंगे कि इसका डोर 90 डिग्री तक दोस्तों ओपन हो जाता है दोनों साइड में, इस वजह से इसमें चढ़ना और उतरना काफ़ी आसान है। और यह दोस्तों इसका जो लेग रूम, इसका लेग रूम बहुत ही स्पेसियस है, पीछे कंफर्टेबली आराम से इसमें 3 पर्सन बैठ सकते हैं। और इसका जो लेग रूम है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। सीट दोस्तों इसका बहुत ही कंफर्टेबल है और सीट आपको डुअल टोन कलर में दिखने को मिलता है, जिस वजह से इसका सीट दिखने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और सीट का जो क्वालिटी है वो भी दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा है इसमें। और हेडरूम भी दोस्तों इसमें काफ़ी आपको अच्छा मिलता है और इसमें कंफर्टेबली 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसका जो कैनोपी है वो भी दोस्तों बहुत ही मजबूत है, इस वजह से गाड़ी के ऊपर आपको मिलता है 3 ईयर्स का वारंटी। उसके साथ पीछे कुछ सामान रखने के लिए भी आपको इसमें स्पेस दिया गया है। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वह 722 kg, कॉर वेट है 422 kg और इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो है 300 kg। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका ड्राइवर साइड। तो सबसे पहले आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसका जो ड्राइवर सीट है वो भी आपको डुअल टोन कलर में इसमें दिखने को मिलता है। और लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करने के लिए पीछे दिया गया है दोस्तों बैक रेस्ट, इस वजह से आप इसमें लॉन्ग ट्रिप भी आराम से कर सकते हैं। हेडरूम दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा है और लेग स्पेस भी इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल मिलता है, लेग रूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसका ड्राइवर सीट थोड़ा वाइडर है जिस वजह से आप इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके साइड में आपको दिखने मिलता है फायर स्टनगाइजर और ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ है इसका सीएनजी का टैंक, जिसका कैपेसिटी है 30 लीटर। पर आप इससे ही इसका सीएनजी टैंक को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है इसका सीएनजी का मीटर और उसके ऊपर आपको एक एम्ब्लम देखने को मिलता है जिसमें सीएनजी सिलेंडर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, वाटर कैपेसिटी, डेट ऑफ लास्ट रीड टेस्ट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में आप जान सकते हैं। और बात करते हैं ड्राइवर लेगरूम के बारे में, तो फिर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो ड्राइवर साइड लेगरूम है वो बहुत ही स्पेसियस है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका बोतल होल्डर, इसमें आपको एक छोटा सा बोतल आप 1 लीटर का आराम से रख सकते हैं। और उसके साथ दोनों साइड में स्पीकर्स लगाने के लिए भी इसमें स्पेस मिलता है। उसके ऊपर है दोस्तों इसका ग्लोव बॉक्स जो कि आपको लॉक के साथ मिलता है, आप अपने ज़रूरी सामान को इसमें रख के इसे लॉक भी कर सकते हैं। और इसका ग्लोव बॉक्स को अनलॉक करेंगे तो इसका स्पेस दोस्तों आपको इस तरह का ही दिखने को मिलता है, इतना स्पेस है कि आप कुछ चीज़ें आप इसमें आराम से रख के इसे लॉक भी कर सकते हैं जो कि सिक्योर हो जाता है। पेजियो एपिसिटी का जो और एक हाईलाइट पॉइंट है वो है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको दिखने को मिलता है स्पीडोमीटर, उसके नीचे ऑडोमीटर, राइट साइड में आपको दिखने को मिलता है इसका फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन विथ इसका कुछ बैटरी और गाड़ी का कुछ और कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में भी आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख के जान सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट और उसके पास भी आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप मोबाइल भी आराम से रख के यहाँ पर आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यह दोस्तों इसका 4x स्विच, यह दोस्तों इसका वाइपर का स्विच और यह दोस्तों इसका लाइटिंग कंट्रोल जो कि आपको वाइपर का लेफ्ट साइड में दिखने को मिलता है। डैशबोर्ड के नीचे भी आपको और कुछ स्विच एंड कंट्रोल दिखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है इसका फ्यूल चेंज मोड, जैसे कि रेड कलर में वो है दोस्तों इसका पेट्रोल का मोड, जबकि सीएनजी का मोड है नीचे जो ग्रीन कलर में है। यदि आप गाड़ी को पेट्रोल में चलाना चाहते हैं तो फिर आपको ऊपर प्रेस करना पड़ेगा और यदि आप इसे सीएनजी में चलाना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे प्रेस करना पड़ेगा। और यदि आपको एंटरटेनमेंट पसंद है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी आराम से लगा सकते हैं। और उसके साइड में है दोस्तों इसका फ्यूल चेंज मोड और उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है इसका की होल। और सेंटर डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर पेजियो का ब्रांडिंग भी दोस्तों दिखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कुछ और टेक्निकल फीचर्स दिखने को मिलता है। और यह है दोस्तों इसका ब्रेक पैडल। और बात करते हैं दोस्तों इसका स्टीयरिंग हैंडल के बारे में, तो यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस मिलता है जहाँ पर आप नॉर्मल कॉइन रख सकते हैं और इसका स्टीयरिंग हैंडल आपको डुअल टोन कलर में दिखने को मिलता है। और बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो इसका ट्रांसमिशन है 4 स्पीड आपको इसमें मिलता है, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर। और गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। राइट साइड में ही आपको दिखने को मिलता है ऑल स्विच एंड कंट्रोल्स, जैसे कि ऊपर है दोस्तों इसका लेफ्ट और राइट टर्न इंडिकेटर्स और उसके साइड में है दोस्तों इसका हाई बीम लो बीम का लाइट, ब्लैक कलर में वो है दोस्तों इसका हॉर्न, जबकि रेड कलर में वो है इसका सेल्फ स्टार्ट बटन जिसे हम पुश एंड स्टार्ट बटन भी कहते हैं, जो कि आपको रेड कलर में इसमें दिखने को मिलता है। और यह दोस्तों इसका ओवरऑल हैंडल बार और गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड का व्यू।
आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका डैशबोर्ड आपको कैसा लगा और गाड़ी का जो फ्रंट विजन व्यू है वो भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। यदि आपका हाइट थोड़ा ज़्यादा है तभी आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हैं। और यह दोस्तों इसका साइड मिरर। अभी दोस्तों हम गाड़ी लेके चले आए हैं इसका CNG भरवाने के लिए। रियल माइलेज जानने के लिए पहले आपको इसका CNG को कम्प्लीटली फुल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे कुछ टाइम के लिए चलाएंगे, फिर आप इसका माइलेज को जान पाएंगे। जैसे कि आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख के अभी जान सकते हैं कि इसका जो CNG टैंक है वो ऑलमोस्ट फुल है, फिर भी दोस्तों हम इसमें और CNG भरवा रहे हैं। टैंक फुल होने के बाद हम इसका एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर आके इसका टैंक को और एक बार फुल करेंगे, तभी दोस्तों हम जान पाएंगे कि उस डिस्टेंस तक हमें कितना CNG लगा है, उसके बाद हम इसका रियल माइलेज को जान पाएंगे। आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पहले देख लीजिए कि अभी गाड़ी 132 किलोमीटर तक चला है। तो फिर चलिए दोस्तों हमारा टेस्ट ड्राइव शुरू हो गया है। अभी दोस्तों हम इसे कुछ किलोमीटर तक चलाएंगे, फिर आके इसमें CNG को फुल करेंगे। तो फिर चलिए हमारा सफ़र को शुरू करते हैं। एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि हम गाड़ी को अभी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहे हैं, जो कि इकोनॉमी मोड होता है। जब आप गाड़ी को इकोनॉमी मोड में चलाते हैं तो ये आपको बेहतर हमेशा माइलेज देता है, इस वजह से आप गाड़ी को हमेशा इको मोड में ही चलाइए। फाइनली हमारा टेस्ट ड्राइव हो गया है कंप्लीट और हम चले हैं फिर से इसमें फ्यूल भरवाने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी 162 किलोमीटर तक चला है, जो कि पहले था 132 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमने इसमें 30 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव लिया है। तो भी चलिए देखते हैं कि 30 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव लेने में हमें इसमें कितना CNG लगा है। तो जब दोस्तों इसका CNG टैंक फिर से हम इसे रिफिल करते हैं तब दोस्तों हम जान पाएंगे कि इसमें कितना CNG लगा है। 30 किलोमीटर का जो हमने टेस्ट ड्राइव लिया था उसमें दोस्तों लगभग 0.58 kg का CNG लगा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें लगभग 580 ग्राम का इसमें दोस्तों CNG लगा है। और इसका जो माइलेज निकल के आया है वो है 52 किलोमीटर पर kg। पैजियो आप जो क्लेम करते हैं कि उनका माइलेज रहेगा 50+ किलोमीटर पर kg, जो कि दोस्तों वेरीफाइड हो गया है। इसका माइलेज रहा 52 किलोमीटर पर kg का। बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में, जो कि है दोस्तों प्राइसिंग। अभी दोस्तों इसका एक्सोरूम प्राइस शुरू होता है 2,50,300 रुपीज़ से, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा का एक्सोरूम प्राइस है, जो कि स्टेट बाई स्टेट दोस्तों चेंज होता है, कहीं पर ये कम या फिर कहीं पर ज़्यादा हो जाता है। ये था दोस्तों इस गाड़ी का ओवरऑल डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाड़ी आपको दोस्तों कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस गाड़ी का देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर बताएं। और यदि आपका कुछ डाउट है या फिर आपका कुछ सुझाव है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।